नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो गांव बड़वा तहसील लोहारू जिला भिवानी से आपको बीटी के अंदर पिंक वोल्वोरम इंसेक्ट की दिखा रहा हूं। ये देखिए, एक वोल मैंने इसको तोड़ा है, इसके अंदर तीन इंसेक्ट हैं। ये देखिए गुलाबी सुंडी है, इसके अंदर भी गुलाबी सुंडी है। मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, और एक इधर भी है, ये देखिए, ये चल रही है। इस पिंक वोल्वोरम सुंडी ने पिछले 3 से 4 साल के अंदर कॉटन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। इसके लिए दो तीन, ये देखिए अभी तीनों चल रही हैं। एक ही बोल के अंदर तीन सुंडी हैं, तीसरी स्टेज पे है। कॉटन बिल्कुल एक बार चुनाई कर चुके हैं, दूसरी या तीसरी चुनाई चल रही है। तीसरी स्टेज की सुंडी है, काफ़ी नुकसान है। इस सुंडी की वजह से कपास की खेती करने वाले लगभग सभी किसान परेशान हैं। और इसके बचाव के लिए मैं दो तीन सुझाव आपको देना चाहता हूं। जब भी आपकी कॉटन के अंदर फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए, उस समय आप इसके अंदर फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे तितली आपकी कंट्रोल होगी। और तितली कंट्रोल होगी तो मेल जो तितली है, तितली के जो नीफ हैं, बच्चे हैं, वो बॉक्स के अंदर बंद हो जाएंगे, उससे उसका ज़्यादा आगे प्रजनन नहीं होगा। दूसरा, आप समय समय पर वीक के अंदर एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करें। उससे क्या है कि आगे उनका प्रजनन, जन्म की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, आगे जन्म नहीं होता, मच्छरों की संख्या, तितलियों की संख्या आगे नहीं बढ़ पाती। नीम ऑयल क्या होता है, नीम के अंदर एजाडेक्टिन होता है, उसके अंदर लगभग 300 इंसेक्ट को मारने की ताकत होती है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे अभी रिपीट करें वीक में एक बार। दूसरा, इसके बचाव के लिए आप सूखी लकड़ियाँ आसपास में ना रखें। कोई भी खेत के आसपास सूखी लकड़ियाँ ना हो, उसके अंदर तितलियाँ पैदा होती हैं, फिर कॉटन को अटैक करती हैं। तो मैं इस कॉटन की बुरी दशा के आधार पर सभी कंपनियों को, सरकार को निर्देश, मतलब बताना चाहता हूँ कि कॉटन की जो लेयर है बीटी की, बैसोलेसिस थोरोसिस जो टेक्निकल है, उसने अपनी परत तोड़ दी है और गुलाबी सुंडी का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है। सभी कंपनियों को, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि किसानों की जो बुरी दशा है उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाने का प्रयास किया जा सके। ये देखिए, सभी बोल के अंदर बहुत बुरा हाल है, इससे पैदावार घट रही है, किसान के खर्चे वही हैं और बिल्कुल भी पैदावार नहीं आ रही। जो कॉटन 15 से 16 क्विंटल निकलती थी, वही कॉटन आज 3 से 4 क्विंटल पे स्ट्रगल कर रही है। अब इतना 8 महीने का लंबा पीरियड है, कॉटन के अंदर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जो किसान भाई लीज पे जमीन लेके खेती करते हैं, वो कैसे खर्चे पूरे करेंगे? बीटी की कंपनियां, सरकार इसके ऊपर थोड़ा सा गहन विचार करें, इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा रिसर्च करें, बीटी की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सुधार करें, ताकि किसानों की दशा सुधारी जा सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।